राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आगरा राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि और प्रदेश उपाध्यक्ष रामजीलाल विद्यार्थी के नेतृत्व में आज SFI ने नेहा बिष्ट का पुतला दहन किया गया। सफाई मजदूर संघ ने MG रोड वाल्मीकि वाटिका पर नेहा बिष्ट का पुतला दहन किया। जिस तरह से ताजगंज वार्ड में हो रहा है सफाई मजदूर संघ के साथ शोषण और अत्याचार के विरोध में यह पुतला दहन किया गया। सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि का कहना है कि अगर इसके बाद भी नेहा बिष्ट द्वारा सफाई मजदूर संघ की अब्सेंट वापस नहीं ली जाती है तो सफाई मजदूर संघ ने संघ से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य रहूंगा। इस आंदोलन में गौरव वाल्मीकि, रामजीलाल विद्यार्थी, महानगर अध्यक्ष विक्रम चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। YK सिटी न्यूज से संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट, आगरा से। ये ताजगंज साउथ का ये प्रकरण है, क्योंकि हम कई दिनों से लगातार अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाह रहे हैं कि SFI नेहा बिष्ट द्वारा जो है वहाँ सफाई कर्मचारियों का जो उत्पीड़न है वो बहुत चगम पर है। फर्जी तरीके से सफाई नायक बनाए जा रहे हैं, अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जिसमें संविदा सफाई कर्मचारी सचिन निर्मल, रवि, अजय चंचल, देबू, इसके अलावा भी स्थायी कर्मचारी है जो पवन, इन सबको जो है एक मोटी रकम लेकर सफाई नायक बनाकर कर्मचारियों को उत्पीड़न के लिए लगा दिया इन्होंने। पूरा पैसों का खेल चल रहा है, बहुत बड़ा पैसों का खेल चल रहा है। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ का प्रतिनिधि मंडल हमेशा ये सब कुछ आवाज़ उठाता गया है, लिखित में शिकायत करता गया है। ऐसा ही एक ये प्रकरण है जिसमें अनिल सनो बिज्जो को पिछले 11 महीने से केवल इसलिए घुमाया जा रहा है कि उस पर 60,000 रुपये का इंतजाम नहीं है। वो 30,000 रुपये पवन को दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अटेंडेंस नहीं लगाई गई है, उसको कोई वेतन नहीं दिया गया है। वो प्रतिदिन अपने डेली काम पर जाता है। हमने संघ के माध्यम से आज अपना विरोध प्रदर्शन किया है, पुतला दहन किया है। अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि अनिल सनो बिज्जो जैसे जितने भी कर्मचारी हैं उनको न्याय दिलाने का काम करें, इनको ड्यूटी ज्वाइनिंग कराएं, साथ ही इनको वेतन भी मुहैया कराएं। आज यहाँ पर जो पुतला दहन किया गया तो किस वजह से पुतला दहन किया गया? ये ताजगंज वार्ड में एक नई SFI आई है जिनका की नाम नेहा बिष्ट है, जो कि आते ही एक तानाशाही रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है, और जो सफाई कर्मचारी पहले से जो कार्य कर रहे हैं उनको इधर उधर करना, किसी से पैसे लेकर किसी को डायरी देना, जो पहले से लोग काम कर रहे हैं, पहले से जिन्होंने डायरी ली हुई है उनसे डायरी छीनना, तमाम तरह की उन्हें धमकी देना और तरह तरह से प्रताड़ित, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर रही हैं, उनके विरोध में आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ ने की पूरी टीम ने, भाई प्रदेश अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष रामजल विद्यार्थी और हमारे जिला अध्यक्ष विकास भारत जी, महानगर अध्यक्ष विक्रम चौहान जी, सभी ने मिलकर आज उनका पुतला दहन किया था बालू वाटिका। नहीं, वो रिश्वत भी मांग रही है। जो लोग पहले से ही जो सफाई कार दिखवा रहे हैं, जो मैट बने हुए हैं, सुपरवाइजर बने हुए हैं, उन लोगों से कह रही हैं कि आप जिस पद पे हो उसी पे बने रहेंगे, बशर्ते आप मुझे 30,000 दें, किसी से 20,000 मांग रही है, किसी 30,000 मांग। हाँ, मेरे हमारे पास हैं, बिल्कुल हैं। देखिए, हमने राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के माध्यम से कई ज्ञापन दिए हैं नगर आयुक्त को। एक हमने वो भी दिया है जो डोर टू डोर कलेक्शन वाला था, और उसमें जो 5 कंपनियां आई थी और वो कंपनियां यहाँ से पैसा लेके नगर निगम से चली गईं, लेकिन हमारे कर्मचारी जो उसमें काम कर रहे थे उनका वेतन नहीं दिया गया। जब अपन नगर आयुक्त से इस मामले में बातचीत कही तो वो कहने लगे कि ये कंपनियों का मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। जबकि कंपनियों ने कॉन्टैक्ट उससे किया था नगर निगम से, तो नगर निगम का भी कुछ दायित्व बनता है, वहाँ से ये लड़ाई हमारी शुरू होती है। हम अपनी जायज़ बात कहते हैं और ये लोग जो है उस पर दबाव बनाकर उस बात को ख़त्म कराना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से ताजगंज वार्ड के अंदर भी जो नेहा बिष्ट SFI है, अब उसका भी यही खेल है जो अभी नहीं आई है। उन्होंने भी कई कर्मचारियों से पैसे वैसे की डिमांड की है, जैसे कि स्वयं कर्मचारी बता रहा है अपने मुँह से, और जो लोग सफाई कर्मचारी हैं उनको पैसा दे
उनसे पैसा लेकर जो है सुपरवाइजर बनाया जा रहा है, और जो पहले से काम कर रहे हैं जब काम ठीक चल रहा है क्षेत्र में तो फिर इधर उधर करने की क्या जरूरत है। प्रयास कई बार किया, नए साहब अभी आए हैं उनके संज्ञान में हम डालने का प्रयास कर रहे थे, इतफाक है कि मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन बार हम नगर निगम में बैठते तो हैं, पता लगता है कि साहब बैठे हुए तो भी पहुँचते, लेकिन वो भी अभी नए आए हैं तो ये भी सफाई कर्मचारी के माध्यम से, जो सुपरवाइजर हैं उनके माध्यम से उनको पैसा नहीं जाता है। उनका काम को जनता ने उनको चुनकर भेजा है, तो उनका काम है क्षेत्र में अपना विकास कार्य करना। इसीलिए सफाई कर्मचारी से हर पार्षद उसका मतलब ये होता है कि जो इंस्पेक्टर है वो पार्षद के दबाव में होता है, और वहाँ भी जो है इसी तरीके से उनका कर्मचारी का शोषण होता है, और उसके लिए तरह पैसे काटकर चाहे वो नागा का हो या छूट का हो जो है उनको।